प्रिय व्रत किसे कहते हैं? पहले मैं प्रिय व्रत का अर्थ कर दूं। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। श्रोताओं सुनो गौर से, जिसके जीवन में अच्छा संकल्प है बस वही प्रिय व्रत है। अब अच्छा संकल्प क्या तो सुनो, मैं समझाता हूं। आजकल माताएं व्रत रखती हैं, ऐसे ऐसे व्रत रखती हैं बहन भाइयों, न खाती न पीती, एक तो वही निकल के गोवा पीछे। उसके बारे में भी हम समझाएंगे, बीच कथा में आएगा उसका प्रसंग। आप लोग समझना मेरी बात, जो मैं कहने जा रहा हूं बड़े मन से सुनना। प्रिय व्रत, प्रिय व्रत किसे कहते हैं? हमारी मैया नवदुर्गे व्रत रहती है। यहाँ की माताओं से नहीं कह रहा, नहीं आप बुरा मान जाओ, वो हमें महाराज जी बुराई कर रहे हैं, हमारी बुराई नहीं कर रहे, हम आपको समझा रहे हैं। प्रिय व्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। ये प्रिय व्रत क्या है सुनो, आप नवदुर्गे व्रत रहती है 9 दिन, और 9 दिन तक सजनों इतनी लंबी लिस्ट होती है, पति की जेब ढीली, ये चाहिए वो लाओ, ये कूटू का आटा लाओ, समा के चावल लाओ, पकौड़ी बनाऊंगी, कचौड़ी बनाऊंगी, दही बड़ा बनाऊंगी, अरे भगवान बचा, इतना सब कुछ बनता है व्रत में। यहाँ तो नहीं, मैंने कहीं कहीं देखा है 2.5 किलो सेब खाए, 1 किलो दूध डकार के बोली ओम हम व्रत है। ये व्रत रही है, ये तो व्रत का उपहास है। मैं आपको व्रत की परिभाषा बताता हूँ। व्रत कहते हैं संकल्प को, व्रत कहते हैं प्रतिज्ञा को। कहते ना मैं ये व्रत लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। आप 9 दिन व्रत रहती हैं, 9 दिन में 9 प्रतिज्ञा लीजिए। आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। माताएं सुने गौर से, 9 दिन होते हैं। दूसरे नवदुर्गे में प्रतिज्ञा लो, काव की चुगली नहीं करेंगे। तीसरे नवदुर्गे में सास की इज्जत करेंगे। चौथे नवदुर्गे में पति का सम्मान करेंगे। पांचवें नवदुर्गे में घर को स्वच्छ रखेंगे। छठवें नवदुर्गे में बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। सातवें नवदुर्गे में पड़ोसियों का सम्मान करेंगे। आठवें नवदुर्गे में ससुर का जीवन भर सम्मान करेंगे, पिता के समान। और नवे नवदुर्गे में पति को परमेश्वर मानकर पूजेंगे, पराए पुरुष की तरफ दृष्टि भी नहीं होगी। ये 9 नवदुर्गों के व्रत हैं। ये जिसने कर लिए आनंद, इसे व्रत कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा ले, कोई नहीं लेती। समा के चावलों से व्रत नहीं बनेगा भाई बहन, भूखे रहना व्रत नहीं है, बुराइयों का त्याग ही व्रत है। भूखा क्यों रह जाता है मालूम है? एकादशी का एक व्रत क्यों करना चाहिए एक महीने में? वैसे तो दोनों करनी चाहिए, पर एक है जाए बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी है, कारखाने की मशीनें एक महीना चलती है, एक दिन की छुट्टी पड़ती है। कारण उनको फिर सफाई में उनकी सफाई होती है। ये भी तो मशीन है। आते जो है ना, आंतों में इतनी ताकत है कि आते लोहे को भी गला देती है, लेकिन उन हाथों पर जब परत जम जाती है धीरे धीरे, तो वो काम करना बंद हो जाती है। तो एक महीना व्रत रहो, जिससे वे आते ढंगते साफ। ये उपवास, इसलिए भोजन नहीं करते सज्जनों। 7वें दिन रह लो और बढ़िया, लेकिन असली व्रत तो यही है कि जिस दिन भोजन छोड़ो उस दिन एक बुराई भी छोड़ दो। बोल कन्हैया लाल की, ये सुंदर भाव है, समझो। आगे